अहिले हामी फतेहपुर सिकरी जाँदैछौँ। अक्बरको लास्ट अब यही समय बितेको। आज हामी जोधा अक्बरको म्याच पनि जाँदैछौँ, तानसेनको जाँदैछौँ, जहाँगीरको जाँदैछौँ। यसरी बसमा लगेर त्यहाँनिर हामी दुवै जस्तो गरेर घुम्दैछौँ। सनाया देवीको एक सालको बर्थडे, उसको आमाको मिलाएर यसरी छ। त्यस्तो फतेहपुर सिकरी अब हामी भित्र जान्छौँ। यो क्या है? अब हामी सिकरी पुग्यौँ राजाको टाइमको। यो यस्तो छ अनि यस्तो छ अकबरको टाइमको। चलो दिवानी आम कोट दैट टाइम फाँसी हाथी बांधते थे। अच्छा, हाथी के सामने गुनाहगार को डाल देते थे, हाथी अपने पैर से उसका माथा कुचल देते थे। अच्छा, मुख्यमंत्री वाला वो अपोजिशन ले प्राइम मिनिस्टर न्याउ आमा छोरी फोटो खींच दिनु मार्केट था बाहर के जो लोग आते थे मीना बाजार, आगरा फोर्ट, दिल्ली फोर्ट, यहाँ पर मीना बाजार लगता था। बाहर के झोरू लोग आते थे, यहाँ दुकान लगती थी रानी। ये दीवानी खास है अकबर का, दीवानी खास है। हेर्दा बाहिरबाट दुई स्टोरेज देख्छ तर भित्रबाट एउटै छ। दिवानी खासमा हामी जाँदैछौँ अहिले। यो भयो दिवानी खासमा। हेर्नुहोस् आममा त्यति बेला नक्कासीहरू। अच्छा, इसके चारों साइड में अकबर के नौ मंत्री, नौरत्न, नाइन कैबिनेट मिनिस्टर। इनका नाम था बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, अबुल फैजी, मुल्ला दो प्याजे, मान सिंह, अखिल गब्बान, जैनियम। हाँ हाँ हाँ, ये सारा मुस्लिम है। वो पारसी है वो, नीचे मुस्लिम है। हाँ, ये स्मॉल विंडो ना, मुस्लिम चर्च विंडो, ये नीचे वाला, ये चर्च विंडो। अच्छा, वो बीच वाला, ये बीच वाला। हाँ, ये सारा देखिएगा हिंदू है, लोटस। अच्छा, लोटस। ये बुद्धिस्ट है, गौतम बुद्ध। अच्छा, हाँ दिख रहा है। और ये मुगल है, उमर खय्याम, पॉट ऑफ द वाइन। स्मेल वो है, पांच मंजिला है। हाँ हाँ, चारों साइड में दीवार नहीं है, बनाया पिलर ऑफ है। 176 पिलर है, 176 पिलर, 176 पिलर्स पे दिया है ये अकबर का ट्रेजरी बैंक। चुपके परदेश सर, जो तो अकबर यहाँ पे शूटिंग हुआ, अकबर परदेश, लाल पत्थर, मुगल आजम, गोरा हुआ, हीराजा, तो अकबर सुनते थे। अच्छा, अकबर खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अच्छा, और ये चौपस चेस यहाँ पे खेलते थे, खेलते थे। हाँ हाँ, अकबर अकबर की रानी यहाँ बैठते थे, उसके चार साइड में प्लस पॉइंट बना ना। अच्छा, गोट की फर्स्ट वाला मुस्लिम रानी का ना, रुकैया का, टर्की सुल्ताना हाउस, तुर्की का था। अच्छा, इतना भी है, इतना भी अंदर खाने दिखते ना। हाँ, बॉक्सेस अंदर सारा मिरर था, कांच। अच्छा, हाँ, लाइट नहीं था, मट्टी के दिए रखते था, कांच का रिफ्लेक्शन पड़ता ना, पूरा मैच चमकता था। अच्छा, लुक द वर्क, सीलिंग पर डिजाइन देखो। हाँ, दिख रहा है, खोद के बनाया ये सब ग्रेफ। तो सब बवाल से नहीं, ये जगह फतेह का शिखर, ये वाला शाही हमाम। अच्छा, हाँ, दूसरा अनूप कलाम। अच्छा, अकबर के नौ तानसेन के गीत गाने जगह ही हो। लास्ट लोकेशन है दरका, गंगा जल। अच्छा, गंगा जल यहाँ पे, और बनारस से मंगाते थे सर। हाँ हाँ, वो टाइम में हाथी लेके आते थे, कैमिल के लेदर होते थे। एक ये फोटो चेक कर लीजिए आप, एक मिनट, एक सेकंड। ये डाइनिंग हॉल है, ये डाइनिंग हॉल था, डाइनिंग टेबल फर्नीचर नहीं थे। अच्छा, नीचे सारा कारपेट डालते थे। अच्छा, यहाँ पे मटन चिकन हमारा गाइड है और वो फोटोग्राफर है। यहाँ पे अगर कोई भी आए तो इनके साथ मिल लेना, बहुत बड़े अच्छा लोग हैं। इनके बेडरूम में ये पलंग, यहाँ अकबर आराम करते थे। अच्छा, इतनी हाइट में, चंदन का था। अच्छा, अकबर का बेड है, उसे अकबर का बेड, अकबर का बेड, रोज वाटर,
यहाँ पे रोज वाटर, अच्छा गुलाब के डाल देते हैं, यहाँ से हैंड फैन होते थे आपके पंखे, यहाँ पे रस्सी से तांते ना पूरा मेल चलता रहता था, खुश होता था। किंग साइज बेड चाहिए रियल में, अकबर अकबर द ग्रेट, दिस एंट्रेंस है वन ऑफ द किंग अकबर द मिनिस्टर, अच्छा और यहां से रानी आती थी जोधाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन अकबर बादशाह का मैच खेल रहा थी यहां से, बाहर अच्छा वो वाला छोटा बना इसीलिए बनाया था जोधाबाद, 6 फीट हाई, हां अकबर हाइट 5.5, हां लेकिन उसको झुक के आना, ये उनका महेश दास का मंत्री का कहना था, इन्हों महेश दास है, ट्रिबल का असली नाम था महेश दास, महेश दास अच्छा तो झुक के अकबर ने नाम, अच्छा झुक के आए इसलिए छोटा वही तो इसी बंद कर यहाँ बंद है अब यहाँ मोटामोटी सक्नु आँट्यौँ अब हामीले यहाँ जोधा भाइ सुटिङ पनि यहीं भएको थियो यो त्यो उसको ऋतिक रोशनको यहाँनिर अकबर चाहिँ यो बिचमा बस्थ्यो त्यति बेला अकबर बिचमा बस्थ्यो तानसेनले गीत यो बिचबाट गाउँथ्यो यसरी यो एउटा महल डल्लैमा छौँ हामी यहाँ त्यति बेला गुलाबको पानी छर्किन्थ्यो अरे यहाँबाट खुसबु पनि आउँथ्यो शीतल पनि हुन्थ्यो राजा र कति सोकिन थिएछ यो त्यति बेलाको ड्रेनेज सिस्टम पानी यहाँबाट आएर यहाँबाट यसो गएर यहाँबाट यसो गरेर त्यहीँ पुग्थेछ क्या त्यो कुवामा त्यतिको ड्रेनेज सिस्टम चाहिँ भयङ्कर थिएछ सबै यो पानी कुवामा जाँदैछ पर अघिको अकबर बादशाहका दोस्रो रानीका मैले मरियम क्रिस्टियन त गोवाका त अच्छा क्रिस्टियन रानी पोर्तुगाल पोर्तुगिज वाइफ पोर्तुगिज वाइफका तीन रानी त दो किचन बनाए था वहाँ नॉन वेज किचन अच्छा ये मटन चिकन वेज किचन भाई राजस्थान का था कान का झुमका अच्छा 156 जैन अकबर को सैनिकहरूको थियो नि मरियम अच्छा वो मिटिङ यहाँ गर्दै थिए यहाँ बात करते थे अकबर अकबरका तीन रानी हो नि हाँ हाँ अकबर अकबरका रानी यहाँ बात करते थे यहाँ गुलाब जो लैपटॉप वाला पेंटिंग है सर मरियम का फोटो हाँ 495 ईयर्स ओल्ड है ऊपर बैठो ही तो रानी का वहाँ से रास्ता अच्छा वो तो सभी बंद है हाँ बेडरूम जाने के लिए रास्ता है लेकिन दो साइड में सर लेडी सर्वेंट क्वार्टर है अच्छा लेडी सर्वेंट क्वार्टर दासी के जगह सर्वेंट के लिए था सारे अच्छा अच्छा ये क्रॉस बनाया है वहाँ देखा ना मुस्लिम का पासी हाँ एक क्रॉस क्रिश्चियन का अच्छा हवा पर कुछ इतना है और ये पूरा जोधा भाई का सबसे बढ़िया जोधा भाई का सबसे बड़ा उसको पाया ये जोधा भाई का सबसे बढ़िया रानी में सबसे बढ़िया रानी सबसे अच्छा रानी सबसे फेवरेट रानी जोधा भाई बेटा हुआ था जयपुर हाँ जयपुर जयपुर आमिर फोर्ट अच्छा आमिर फोर्ट राजा मान सिंह का बहन सो वो जोधा भाई सबसे खूबसूरत भी थी ना हाँ ब्यूटीफुल गर्ल्स यहाँ अकबर रिनेलाई गाली गरेको छ नि तर अहिले कि उनीहरूको सेकेन्ड वाइफकोबाट निस्किँदैछ उनीहरू यो चाहिँ जोधा भाइ हेर्नुहोस् है अब स्पेसल वाइफको अकबरको कत्रो महल सबभन्दा ठुलो उसको यहाँ पर छ जोधा भाइको महलमा अब हाम्रो इन्ट्री हेर्नुहोस् त्यो टाइमको यस्तो छ अन्त दैलो यो वान साइडको त्यो हेर्नुहोस् आमा बढिया छ बढिया बढिया यहाँ बढिया छ लु हामी जाँदैछौँ ये सब जोधा भाई का महल राजस्थान के थे राजपूत के हाँ वो वाली पूरा महल को राजस्थान डिजाइन दिए जोधा भाई 6 मंथ लिव्ड दिस बेडरूम अच्छा 6 मंथ देयर अच्छा 6 मंथ इधर 6 मंथ इधर ये विंटर बेडरूम अच्छा ये विंटर समर बेडरूम और ये समर बेडरूम हां देखिएगा इसके पीछे का तुलसी पूजा कृष्णा के लिए वो वाला मंदिर कृष्ण ये वाला कृष्ण मंदिर जोधा के लिए अंदर देखेंगे ये कृष्ण का मंदिर था सिस्टर जोधा को जोधा भाई अपने मायके से मूर्ति लेके आई थी अकबर ने मंदिर बनाया था हर वर्ल्ड फेमस के बुलंद दरवाजे की प्रवेश करते प्रार्थना करते अपने लिए फतेहपुर सिकरी गई यहाँ से जोधा भाई अकबर बस्थ्यो अनि अरू रानीहरू आएको छ यहाँ हामी उभिएको जोधा भाई प्यालेस चाहिँ अघि यता यहाँ चाहिँ बुलंद दरवाजा ये वाला है बुलंद दरवाजा अकबरको टाइमको
यस्तो छ अहिले आए है ये दरगाह हो बढ़िया छ त तो बढ़िया छ कस्तो सिद्ध छ। उसके बाद हम लोग यहाँ से ऐसे चलेंगे, ठीक है, जब हम लोग वहाँ दरगाह पे जाएंगे ना तो आपके मोबाइल से आप लोग वहाँ फोटो ले लेंगे, ठीक है, ठीक। तो अभी हमने फतेहपुर सिकरी बनवाया बिल्ड पर मेमोरी ऑप्शन पर। अच्छा, उनका तो बेटा हुआ इसी खुशी में। जी जी जी, बेटे का नाम बाबा के नाम पे रखा गया सलीम। अच्छा, अकबर ने नाम दिया छांगी, छांगी माने सारे जगह का बाद। अपनी चादर से अकबर को टाइम को मुस्लिम प्रिस्ट उसको केटाहरुको यो कब्रेस केटीहरुको रास्ता यहाँ से आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर पाकिस्तान तक जाता था। अभी टूट चुका, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अच्छा, आप लोग एक मूवी देखा मुगले आजम? हाँ हाँ। अनारकली को यही चुनवाया था, सबको ऐसा लगा सजाए मौत देते, जमीन के नीचे नीचे लाहौर के लिए भगा दिया था। अच्छा, ये अभी कमजोर हो गया ना तो गवर्नमेंट ने बंद कर रहे विदाउट लाइट सिस्टम, नेचुरल ईसी एयर कंडीशन, क्योंकि उस जमाने में कोई लाइट का सिस्टम नहीं था। ये जो वॉल है ना अंदर से एम्प्टी होलो है, इसके पीछे जंगल एरिया, वहाँ आवाज चल रही है तो निकल चलो। हामी दरगाह जाँदा चाहिँ सबै कब्र कब्र मात्र छ त्यति बेलाको टाइम, पुजारी बस्थ्यो चाहिँ। बुलन्द दरवाजाको अगाडि हो यो, यो बुलन्द दरवाजा, बुलन्द दरवाजा बुलन्द दरवाजाको अगाडिकै नजरिया यो फतेहपुर सिकरीको छेउमा फतेहपुर, यो चाहिँ फतेहपुर हो, सिकरी र फतेहपुर अलग्गै हो। थ्याङ्क यू सो मच। चलो, ये बुलन्द दरवाजाको भित्रपट्टि यहाँ चाहिँ एउटा कुरो पनि छ, यस्तो फेरि माग्नेहरू पुरा आउँछ है, घेजेङ घेजेङ आउँछ। यस्तो शीतल हावा चल्दैछ बाहिर, यतापट्टि एकदम गरम छ, यहाँ शीतल हावा छ, सिलगढी हावा है, कस्तो हावा आउँछ शीतली। यसै यो दरगाह अकबरले यहाँ पूजा गरेर, मुस्लिम पूजा गरेर चाहिँ जहाँगिर पाएको भन्ने रहेछ, उस छोरा पायो भन्ने रहेछ, यसको कथा छ। अब यो सक्यो, ट्रिप सक्यो, हामी यसरी बसमा फर्किँदैछौँ। फ्यामिली चाहिँ यहाँ छ, यहाँ चार तिनजना छ, बहिनी यहाँ म छु, त्यसरी जान्छु। अब फतेहगढ सिकरी र फतेहपुर मोनुमेन्ट भिजिट सक्यो, बस भएकोमा आइयो।